इस दंगल में उपस्थित कक्षा हर समय विदाई समारोह के अवसर पर उपस्थित समस्त साथी निवेदन एकलकालीन सेवक गाजीपुर के समस्त अध्यापक एवं साथी निवेदन जूनियर हाई स्कूल के समस्त अध्यापक उपस्थित इस विदाई समारोह में साथी निकेतन चुनिया हाई स्कूल के परम आदरणीय नेहरू सिंह यादव प्रधान अध्यापक जी और वरिष्ठ लिपिक साथी निकेतन चुनिया हाई स्कूल के वरिष्ठ लिपिक अरुण यादव जी और साथी निकेतन चुनिया हाई स्कूल के सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत रहे परम आदरणीय सिमरन कुशवाहा जी के आज इस विदाई समारोह में समस्त अध्यापक दोनों विद्यालय में उपस्थित है। आज की छोटी सी सभा इस विदाई समारोह में और हमारे देश में साथी निकेतन चुनिया हाई स्कूल के पूर्व प्रधान अध्यापक आदरणीय राज साहब जी और बेसिक प्राइमरी पाठशाला के वरिष्ठ अध्यापक हमारे देश में उपस्थित सर जी और साथी निकेतन इंटर कॉलेज के प्रधान अध्यापक आदरणीय योगेंद्र यादव जी और हमारे बीच में वरिष्ठ परम आदरणीय जयश्री सर जी जो समस्त अध्यापकों को मार्गदर्शन और निर्देशन देते हैं और हमारे बीच में विद्यालय के परम आदरणीय प्रबंधक से सीताराम यादव जी सभी लोग उपस्थित हैं। इन लोगों के बीच में इस विदाई समारोह में मैं चाहूंगा कि आज की सभा की अध्यक्षता परम आदरणीय जयश्री सर जी को मैं व्यक्त करता हूँ और उपाध्यक्ष पद पर परम आदरणीय पूर्व प्रधान अध्यापक हंस लाल राजन मैं चाहता हूँ और समस्त अध्यापकों को अपने कुर्सी पर प्रतिभा के हिसाब से आशीर्वाद देना चाहता हूँ। हम गुरु जी के बातों का समर्थन करते हैं और राष्ट्रीय गुरुजनों का आदरणीय प्रधानाचार्य योगेंद्र यादव जी माला कि हमारे बीच में
परम आदरणीय आज सेवानिवृत्त निरोज सिंह यादव जी और वरिष्ठ लिपिक अरुण यादव जी और शिवकुमार कुशवाहा को माल्यार्पण कर स्वागत करें परम आदरणीय सतीश सचिव योगेंद्र यादव जी और हमारे प्रधानाचार्य योगेंद्र यादव जी से मैं निवेदन करूंगा कि तीनों लोगों को से मैं निवेदन करूंगा कि आज सेवा निवृत्त हमारे वरिष्ठ लोगों का माल्यार्पण करेंगे
विदा हो रहे हैं। और कहने का मतलब यह है कि शिक्षक और चिकित्सक आजीवन रिटायर होने के बाद भी वो समाज सेवा करता रहता है। तो हमारी दिली यही इच्छा है कि आप लोग मैंने आज विदा हो रहे हैं, लेकिन विदा होने के बाद भी आप इस विद्यालय परिवार से जुटे रहेंगे, यही हमारी कामना और इच्छा है, मांग है। और ये जुदाई की घड़ी बड़ी दुखदाई, भगवान कृष्ण द्वापर का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। भगवान कृष्ण जब ब्रज से मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं तो वहां की गोपियां बाल बाल बड़े छिपटा जाते हैं। बाद में भगवान कृष्ण उद्धव जी को भेजते हैं कि जाओ भाई जरा ब्रज का हाल लेते आओ, गोपी बाल बालाओं क्या हाल है। तो जाकर के कृष्ण का संदेश सुनाते हैं, उद्धव कहते हैं कि आपको भगवान ने संदेश भेजा कि आप लोग सकुशल हैं कि कैसे हैं। तो गोपियां कह रही हैं कि बिन गोपाल बैरिन भय कुंजय, तब ये लता लगत शीतल अब भय विषम ज्वाल की कुंजय। माने सब कुछ रहते हुए ये जो कुंज गलियां थी ब्रज की, माने सब कुछ रहते हुए लग रहा है कि कृष्ण के रहने पर मतलब की शीतल ठंडी बयार का अनुभव होता था, लेकिन अब कृष्ण के अनुपस्थिति में लग रहा है उन्हें कभी आग की ज्वाला की लपटे निकल रही है। तो मैंने विदाई का समारोह अवसर ऐसा ही होता है। और मैं अपना व्यक्तिगत शांतिनिकेतन विद्यालय से मेरा जो लगाव है उस संस्मरण को आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। इस शांतिनिकेतन विद्यालय की स्थापना सन 1972 में हुई और मैं इस विद्यालय का पहला छात्र रहा हूँ। यहाँ के मतलब शासन प्रशासन शिक्षा व्यवस्था को भली प्रकार बहुत नजदीक से जानता हूँ। हमारे जो प्रबंधक भी हैं सन 72 के दौर में वे हम लोगों के गुरु जी हुआ करते थे, तो इतना मेहनत करते थे कि 72 से लेकर के 76 तक लगभग 5 वर्षों तक मैंने अकेले दम पर 4-5 क्लासों को पठन पाठन का कार्य बड़ा सुचारू रूप से करते करवाते थे। और इसके बाद सन 76 में जब हम कक्षा 6 में पहुंचे तो वर्तमान समय में जिसे आप लोग इस सभा का अध्यक्ष बनाए हैं आदरणीय जयसिंह माठ साहब भी सन 76 में आए, और उसके बाद भोला माठ साहब थे, और इसके बाद में जगदेव माठ साहब आए। तो मैंने 7-8 सालों तक यहाँ पर छात्र जीवन के रूप में अपना समय गुजारा, लेकिन इंटर बीए बीएड करने के बाद फिर इसी विद्यालय परिवार में मुझे शिक्षक बनने का अवसर प्राप्त हुआ। तो शिक्षक बनने का यह अवसर मुझे 1 अगस्त 1994 को प्राप्त हुआ। मैंने तभी से मैं पठन पाठन में जुट गया। आप हमारे जो सीनियर आप लोग गुरु जी भी रहे हैं और साथ साथ स्टाफ के रूप में आप लोगों के साथ रहा है, तो हम लोगों का संबंध बड़ा ही मधुर रहा। इसी तरह का कोई दुराव दुराव इतने लंबे पीरियड में 25-26 साल का साथ रहा, कोई दुराव नहीं रहा, सब लोग मिलजुल करके रहे। और जब राय साहब सन 2018 में जब समय आया तो हमें यह खलने लगा कि अब धीरे धीरे जो हमारे स्टाफ के लोग हैं, हमारे गुरु जी लोग हैं, ये धीरे धीरे अब हमसे विदा होते जा रहे हैं। तभी से मैंने अपने दिल को बड़ा ही भरोसा दिलाया कि हम मतलब कि अकेले हमें रहना है, हमें किसी तरह की घबराने और चिंता करने की बात नहीं है। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करता हूँ। इतना बड़ा अनुभव और साथ में होने का जो तरीका था बहुत ही अंतरणीय है। और अध्यापक हमेशा सेवा
समाज में कहीं भी जाए, किसी भी परिवेश में वह जाता है, निश्चित रूप से आपको कुछ सीखने के लिए मिल पाता है। कहीं गलत कोई संदेश देता होगा, निश्चित रूप से उसको दिल पर आता होगा। गलत का विरोध हमेशा अध्यापक करता है, यदि बालक कहीं कुछ दिशा से दिशा होता है उसको डांटता है, उसको मारता है, समझाता है। कोई कलाम छोड़ता नहीं है, साइकोलॉजिकल तरीके से बच्चों को समझाता है। इधर का देखो आने वाला आपका जो आगामी समय होगा वह बहुत बुरा होगा, समय से समझना, नहीं तो आगे आने वाले जो तुम्हारे पास भरोसा रखा गया है परिवार की तरफ से सब खराब हो जाएगा। अध्यापक बात बात समझाता है, अध्यापक भी एक ऐसा वह परिवेश का सेवा व्यक्ति है जो हमेशा मन को दब कर सिखाता रहता है, और यही राजकारी माता होता है। कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्री सांसद वह राष्ट्र निर्माण नहीं करता है। यदि कोई राष्ट्रपति भी है, कोई IAS है, कोई PM है, किसी न किसी अध्यापक के अंदर में रहकर ही बस होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। सब अध्यापक से ही कहते हैं, और मैं चाहूंगा हमारे देश में सोनू सर आए एक संगीत के माध्यम से कुछ सुनाए। आदरणीय अध्यक्ष जी और उपाध्यक्ष जी, हमारे प्रिय गुरु जी जो आज विदा हो रहे हैं, नीरू सिंह यादव जी, अरुण सिंह यादव जी और जो है सिमरन सिंह कुशवाहा जी, और मेरे प्रधानाचार्य जी, सहायक अध्यापक सात निकेतन जूनियर हाई स्कूल, सतीश चंद्र यादव जी, योगिंदर यादव जी, देवचंदपुर प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री सुभाष जी, और मेरे प्रिय अध्यापक, मैं आप लोगों के समक्ष एक छोटी सी गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूं, और उसमें जो भी मेरे कहने में त्रुटि पाई जाए उसे क्षमा करने का कष्ट करेगा। यह हम लोगों का पर्ची वाला कार्यक्रम गया नहीं, राजा हम लोगों को बार बार करते हैं पर्ची भी नहीं बन गया, लेकिन अब तक बच्चन रहा है। जाने वाले आपको
उस समय हम लोग समझे कि शिक्षण क्या होता है और शिक्षक क्या होता है। एक अदब सम्मान, चाहे वो शारीरिक श्रम से हो, रात रात में यहाँ पे लालटेन लेकर के, अब तो कुछ लोग देखे भी नहीं होंगे लालटेन क्या होती है, हा? नीचे जमीन पे बिछा के हम लोग पढ़ा करते थे। गुरु जी अभी एक पर्ची दिए हुए थे, उसमें कुछ मात्राओं की गलती थी, मुझे बड़ी खुशी हुई सोच करके कि आपने ही मुझे पढ़ाया, और मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि मेरी मात्राएं गलत नहीं होती। तो उस दौर के लिए कहना बहुत अच्छा, बहुत बहुत बुरी चीज है, क्योंकि आजकल तो शिक्षण का व्यवसाय हो गया है। हमारे जो मौलिक चीजें शिक्षक, शिक्षण और स्वास्थ्य आज के व्यवसायिक दौर में एकदम बदल गई है, परंपराएं बदल गई हैं, लेकिन वो दौर ऐसा था ही नहीं, वहां व्यवसाय से कभी शिक्षण को जोड़ा ही नहीं गया। हमारे शासन के द्वारा इस समय बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाया जा रहा है, बहुत सारे नए नए ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोगों को बताया जाता है, पर अगर हम ध्यान से सोचते हैं तो जो आज हमें करने को बताया जा रहा है वो तो हम लोग देखे हुए हैं, वो तो होता रहता था हमारे यहाँ सारी चीजें, इसमें कोई नई चीज नहीं है। बस अगर व्यवसायिकता से थोड़ा सा अलग हट करके शिक्षण कार्य को देखा जाए तो आज से 25 साल पहले के शांति निकेतन को आप लोग देखिए, जहाँ पे परिश्रम तो इतना होता था कि जो चीज दिमाग में हर कर गई आज भी नहीं। खैर ये अलग चीजें हैं, यहाँ पे हम लोग उपस्थित हुए हैं अपने गुरुजनों की सेवा निवृत्ति के लिए, तो बस दो लाइन में कहेंगे कि आप लोगों के सुखद भविष्य की इस तरह से प्रार्थना करते हैं, स्वस्थ शरीर और सुखद भविष्य बना रहे, और आप लोगों का सहयोग हमेशा मिला है और उम्मीद के साथ कि आगे भी मिलता रहेगा। अध्यापक डॉक्टर और वकील का पैसा जैसे पैसे मिले होता है, लेकिन एक सेवा प्रमुख होता है। अध्यापक वकील और डॉक्टर निश्चित रूप से सेवा करता है, और या सेवा के तौर पर उसको सेवा रूप में जो मिलता है अच्छी बात है। मैं चाहूंगा कि हमारे देश में परम आदरणीय आलोक श्री आए और इस अवसर पर कुछ गीत के माध्यम से, कुछ अपने सारे के माध्यम से इस सभा को सुरक्षित करने का आदेश देंगे। मेरा आपकी कृपा
मेरे पूज्य
समारोह तो चल रहा है, इसमें
उसके साथ इसलिए आते हैं कि आदमी अपनी पूरी सेवा करके सही ढंग से सेवा होकर घर चला जाता है, खुशी की बात है। दुख का बात यह है कि जिस विद्यालय से 80 से लेकर कम से कम 35 साल से नीचे कोई सेवा नहीं किया है, जो रिटायर हो रहे हैं हम लोग अध्यापक माने हमारा जैसी है, एक लगाव रहता है, लगाव रहेगा, लेकिन फिलहाल कुछ बाध्यता ऐसी होती है कि अकेली नहीं आ पाते हैं, लगाव के साथ उनके हिसाब से हमारा इसका 80 में हम लोग 6 लोग थे। हमारे प्रबंधक महोदय जी जय श्री माता, हम थे इंद्रदेव सिंह थे, नीरव माता एक मोर्मी साल, लेकिन बीच में कुछ काल कारण से मोर्मी साहब पहले चले गए, जय श्री माता की भी पोस्टिंग हो गई, उसके बाद सीता माता की भी पोस्टिंग हो गई और आगे हमें 3 आ गए। समाज लोग अलग अलग करते सिर्फ गांधी जी के 3 बंदर, तो हम लोग इकट्ठा हुए तो अपने में राय कर लिए कि हम लोग सीनियर लोग चले गए, कैसे हम विद्यालय चलाएंगे, तो भाई उनका हाथ रहेगा, सब कुछ रहेगा, चलाना हम लोग, हम लोग गाँव में भट्टा पढ़ाए थे उस समय, प्राइवेट हाई स्कूल चला रहे थे, अटल स्थापित कर, हम लोग बच्चों के साथ पढ़ते थे, पढ़ाते थे, सेंटर पर टिकते थे, सेट नहीं टिके, मोहरिया नहीं टिके, किसाधार नहीं टिके, और बच्चों का दिन रात सेवा सहयोग करते थे, हमें सफलता मिली, लेकिन प्राइवेट दर्जा के बाद निकलता था, रेगुलर का पहले निकलता था, कुछ इस तरह की अड़चन आई कि हम लोग उसको छोड़ दिए। फिर अपने प्रयास से अपने विद्यालय में हाई स्कूल मान्यता मिली, मास्टर ऑफिसियल काम से रात दिन कार्यक्रम करते रहते थे, हम लोग पढ़ाए हुए थे, कुछ दिनों बाद जोगिंदर प्रधानाचार्य ये बात वो संभालने लगे, हाई स्कूल का विद्यालय की मान्यता मिल गई, विद्यालय 2006 में ग्रांट हो गया जूनियर हाई स्कूल, श्री मनोज कुमार साहब भी थे, हम सभी लोगों का हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश या किसी कमी की वजह से श्री मनोज कुमार साहब का रह गया, इस चीज का हम लोग सभी लोगों को पूरे अध्यापक के विद्यालय परिवार के लोगों को तकलीफ था, आज तक भी नहीं हो पाया, प्रयास जारी है। और हम अपने स्टाफ में जब कभी निरहु मार साहब को या सिमूरज जी को या बड़े बाबू को या सतीश जी को कुछ कह देते थे, लेकिन वह आधा घंटा तक रहता था, फिर हम लोग देखते, कोई कार्य करना होता था तो हम लोग हफ्ते में मीटिंग करते थे, सलाह करके उचित राय जो मिलता था उसके अनुसार हम लोग काम करते थे। एक किस बात को हम रिटायर हुए सोचे किसी की बात है, भाई बहन रघु मार साहब श्री मुदर जी और बड़े बाबू पुराने स्टाफ में अभी हैं विद्यालय में, लेकिन आज समय वो आ गया कि 21 मार्च 2021 को पुराने सभी लोग आ गए, हम तो बहुत खुश हैं कि पुराने लोग हटने के बाद प्रधानाचार्य गोविंदर ये अपनी पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, ये बहुत सराहनीय चीज है, हम ऑफिस के साथ में जाकर देखे हैं, गाड़ी को जाकर देखे हैं, कहना है किसी भी विद्यालय कोई काम नहीं होता था, शांति निकल के प्रकार के काम होता, ये सराहनीय चीज। दूसरी चीज निरहु मार साहब की एक बात हमको याद आती है, कभी कभी हम मजाक लेते हुए ऑफिस उत्तर देते थे, साहब हमसे बोले किराज साहब आप व्यक्तिगत हमको ये बात मत कहना, वो बात आज नहीं, जब हम प्रधानाचार्य बने 1997 में सीता मार साहब मैनेजर महोदय हमसे बोले थे किराज साहब माहौल की घनता है,
होने के बाद, होने से पहले कुछ लोग आउट आते हैं, होने के बाद कुछ आउट होता है। अंकल इमान साहब, मेरे शरीर से कभी भी संस्था के प्रति कोई शिकवा शिकायत नहीं है, मैंने निर्वाह किया, वो बात भी हमको याद है। तो खुशी की बात की है, पुराने लोग धीरे धीरे जा रहे हैं, आप लोग नए हैं और नया खून है, नया जोश है, नई तकनीकी भी आ रही है पढ़ने पर पढ़ने पढ़ाने की। आप लोग मेहनत से प्रयास से कार्य करिए, संस्था को आगे बढ़ाइए, हम लोग भी खुश रहेंगे। क्योंकि अध्यापक का सबसे बड़ा फल होता है बच्चे, जब पढ़ाई हुए लड़कों को हम लोग देखते हैं, तो तमाम आज शिष्य थे, आज हम लोग साथ उन लोगों के छोटे भाई रूप में अध्यापक के रूप में सामने दिखाई दे रहे हैं, हम लोग बड़े खुश होते हैं। हम अपना व्यक्तिगत बात करते हैं, जब इन लोगों को देखते हैं बहुत खुश होते हैं कि हम लोगों का मेहनत जो है बहुत सार्थक हो गया। तो अब तो हम लगभग पुराने स्टार के सभी लोग हो रहे हैं, यही आप लोगों से प्रार्थना है कि विद्यालय की गरिमा को जो लोग हैं वो बनाए रहे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और इस सवाल पर आदरणीय अध्यक्ष से इस सवाल